शशि शर्मा और आप देख रहे हैं एनटीयू न्यूज। टनकपुर खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेल्फ टैक्स ऑफिस के समीप कल रात दुखद हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सतीश चंद पुत्र कैलाश चंद 28 साल निवासी बचई सड़क में आवागमन के दौरान एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने उसे एम्बुलेंस के माध्यम से संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर आफताब ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि पीएम रिपोर्ट के अनुसार युवक के सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिस वजह से युवक की मृत्यु हो गई। वहीं युवक के परिवार में पत्नी, माता पिता और 6 साल की लड़की है, जिनका रो रोकर बुरा हाल है। कल लगभग रात 8 बजे के आसपास 108 एम्बुलेंस द्वारा एक मरीज लाया गया, जिसका नाम सतीश चंद, उम्र लगभग 28 वर्ष के आसपास, बिचई टनकपुर का रहने वाला था। तो उसकी जब हमने जांच की तो पाया वो मृत है। प्राइमरी ट्रीटमेंट भी करके देखा, कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जिससे कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो हमने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना हमने पुलिस को दे दी। पुलिस आकर उन्होंने हैंड ओवर करके बॉडी को मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। चोटों को देखने को लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट की वजह से सर में चोट आई होगी, जिस वजह से उसकी मृत्यु होने लग रहा है। हाँ, पीएम उसका हुआ है आज सुबह, जिसमें सर में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है।